हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज मैं ढेला गेट की तरफ मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह सवेरे निकला हूं। और आजकल ठंडी चल रही है, हमारे टूरिस्ट ठंड में रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है, गाड़ियां ज़्यादा नहीं आई हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ थी और कुछ लोग टाइगर देखने के लिए इधर से गए हैं। ये हमारा ढेला गेट है और ये ढेला गेट पर जिप्सियाँ खड़ी हैं जो हमारे टूरिस्टों को सेवा देती हैं। आप देख रहे हैं, ये हमारे ढेला गेट का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बोर्ड लगे हुए, इसमें जानकारी ले सकते हैं। ये हमारी फॉरेस्ट की चौकियां हैं जहां पर हमारे डिपार्टमेंट के लोग तैनात हैं। यहां से लोग जिम कॉर्बेट के थर्ड पार्ट जाने के लिए, झरने के लिए एंटर होते हैं। और काफ़ी जगहों पर देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। यह हमारे रोतेला जी हैं जो गाड़ियों को चेक करते हैं और टूरिस्टों की आईडी चेक करके ये पेपर परमिट पास करके भेजते हैं। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एशिया का प्रथम नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क झरना और ढेला गेट है जहां पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आर के राही जिम कॉर्बेट में आपका वेलकम कर रहा हूँ। हमारे ढेला गेट में भी आप लोग एंटर हो सकते हैं और यहाँ एंट्री ऑनलाइन हो रही है आजकल। और आप लोग ऑनलाइन ही जिम कॉर्बेट पे की वेबसाइट में जाकर जानकारी ले सकते हैं। यह हमारे ढेला गेट में एक बटरफ्लाई पार्क तैयार किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, जो एक डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी सौगात है जो सरकार ने इसको पास कर दिया है। और यहाँ पर एक समय में काफ़ी बटरफ्लाई दिखाई देंगी और पानी की भी यहाँ पर वाटर होल बनाए जा रहे हैं, जगह जगह फ्लावर लगाए जा रहे हैं। जब बटरफ्लाई दिखेंगी तो हमारे गेस्ट लोग आनंदित होंगे और टूरिस्ट दूर देशों से यहाँ आकर जो है इसमें आप आनंद ले सकते हैं और जिम कॉर्बेट की थर्ड पार्ट झरना को घूम सकते हैं। ये सब प्रकृति की देन है, प्रकृति ने हमें इतने अच्छे उपहार दिए हैं जो वनों की सुंदरता के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। ये सब टीक प्लांट है, टेक्टोना ग्रैंडिस। यहाँ पर 110 प्रजाति के पेड़ पौधे, बच्चों 42 प्रकार की घास पाई जाती है जो वाइल्ड लाइफ में अपने आप में एक छोटी सी स्टोरी है, जिसको मैं बच्चों के ज्ञान के लिए चाइल्ड स्टोरी बनाकर इस वीडियो को आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए डाल रहा हूँ। आप लोग इस मेरी छोटी छोटी वीडियो से ज्ञान ले सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं और फैमिली में बैठकर आनंद ले सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरी इन छोटी छोटी जानकारियों को लाइक करें, शेयर करें और इसका आनंद लें और मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आपका सहृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे मोहन नेगी नेचर गाइड हैं जो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी समय से यहाँ जिम कॉर्बेट में काम कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, योर गुड नेम? मोहन नेगी जी, आप क्या करते हैं सर? मैं कॉर्बेट में एक नेचर गाइड हूं। ओके सर, आप हमारे गाइड हैं। कितने समय से आप गाइडिंग कर रहे हैं सर? 22 ईयर से चुके हैं। आप हमारे जो पर्यटक हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे अपनी वाणी से? पर्यटक आइए, कॉर्बेट एक बहुत बेस्ट एरिया है, देश का सर्वोच्च नेशनल पार्क है। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर लॉन्च है, टाइगर बहुत अच्छे दिखते हैं, कभी भी आइए। ये कौन सा गेट है सर? ये ढेला गेट से आप जंग, वेरी नाइस, यहाँ से रास्ता ढेला को और झरना को भी जाता है। झरना हमारा कौन सा पार्ट है जिम कॉर्बेट का? पार्ट है थर्ड पार्ट है, एशिया का प्रथम नेशनल पार्क का जिम कॉर्बेट का थर्ड पार्ट है। अच्छा, आप यहाँ संतुष्ट हैं गाइडिंग में? बिल्कुल। अच्छा चलिए, अब 2022 में आप शुभकामना दे रहे हैं अपने गेस्टों को? बिल्कुल, शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। ओके एवरीबॉडी, ओके सर, थैंक यू।